मैं ये ट्राइपॉड अपना फिक्स कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि ये तो अपनी ब्लॉक का कैमरा है, वो ब्लॉक का ट्राइपॉड है ये, इसमें मैं रिंग लाइट फिक्स कर दूंगा। तो रिंग लाइट फिक्स करने के लिए इसमें से पहले ये पार्ट जो है इसका जो ये निकालना पड़ता है, पर उसी बीच में मैंने ये निकाल तो दिया, पर अब जब मैं इसको दोबारा असेंबल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा सा असेंबल हो रहा है, और ये यहाँ से ये फोल्ड भी हो जाता है, इसका ये वाला लॉक है, इसको अगर मैं लूज़ करूँ तो। पर ये ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि अपन को तो जैसे कभी मोबाइल है ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे अब देना ऐसे कर रहा हूँ तो निकल रहा है। तो और उसी बीच में क्या हुआ, जब मैं इसको ऐसे टाइट कर रहा था, और ये इनके लॉक है, ये एक मेरे इसका लॉक है, एक इसका ही लॉक है और एक एक्स्ट्रा में लॉक है, तो जब मैं इसको कर रहा था तो उसी बीच में एक ये बुलट आके टपक पड़ा बीच में ऐसे कहीं से। अब ये नहीं पता ये बुलट कहाँ का है, और मैं क्यों कर रहा था इसका, मैंने क्यों खोला था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये रिंग लाइट इसमें कहीं टाइट हो जाएगी, उस इस पार्ट में टाइट हो जाएगी रिंग लाइट, पर इस पार्ट में टाइट करने के लिए इस पार्ट को कहीं असेंबल करना पड़ेगा। अब वो असेंबल यहाँ हुआ कहाँ हुआ ये भी अभी खोज जा रही है, ये मेरे ख्याल से यहाँ असेंबल हुआ शायद, मुझे कुछ एक कड़ी मिली, देखता हूँ मैं क्या ये सही हो सकता है क्या, इस पार्ट को खोलने की कोशिश करता हूँ, और चाहूँ तो मैं अभी इस पर YouTube वीडियो देख लूँ, पर अभी मैं इसको खुद से करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब गाइस अपना प्लान तो यहीं फेल हो गया, शायद ये ऐसे लग सकता है क्या, ये इसका पार्ट हो। नहीं है, क्या चक्कर क्या है ये इसका, क्या इसका कुछ लग भी रहा है पूरा, ये मेरी समझ से बाहर है, ये पूरा आप सबके आगे खुला हुआ डला है, पता नहीं कैसे लगेगा। वे काम करता हूँ, टाइम भी बहुत ये ले रहा है, फटाफट से एक YouTube वीडियो देखता हूँ, फिर इसको लगाने का ट्राई करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। YouTube वीडियो में मैंने देख लिया है और थोड़ा बहुत इसमें समझ में भी आ गया है कि क्या गलती है क्या मिस्टेक है, तो उसको अब मैंने सोचा है कि अब फटाफट अभी इस वीडियो की, अभी मैंने जिस लिए मैंने वीडियो ये सब खोला था उस चीज़ की तो अभी तक मैं शुरुआत ही नहीं कर पाया हूँ, जिसलिए मेरे वीडियो मुझे बनानी है, मैं इन्हीं सब चीज़ों में लग गया तो ये वीडियो तो टंग गई अपनी, खिंच गई ये लंबी, तो इस चीज़ को आगे ट्राई करेंगे और तब देख लेंगे। अब फटाफट इसकी मरम्मत कर देता हूँ, मरम्मत मतलब इसको पैक कर देता हूँ। गाइस ये बात मैं कितने दिन बाद कह रहा हूँ अपने मुँह से, ऑलमोस्ट 15, 16 या 17 दिन हो चुके हैं ये लफ्ज मेरे मुँह से आप लोगों के लिए निकले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तुम्हें इतने दिन कहाँ पे था, क्या मैंने वर्कआउट और एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, क्या ये मेरी आज ये जो वीडियो है ये इसलिए होने वाली है कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो। ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बैठ के अब मेरी इन बातों को सुनिए। तो शुरुआत करते हैं, मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है तब से मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, पहले मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत करी हुई थी, वीक में एक वीडियो डालने से मैं फ्राइडे को मैं वीडियो डालता था, फिर वो फ्राइडे सैटरडे में कन्वर्ट हुआ, फिर संडे में हुआ, तो मेरा शुरुआत ही ऑलमोस्ट दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर नवंबर तक यही मेरा वो था कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालता था और वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुआ करती थी। फिर मैंने थोड़ा अपने वर्क स्किल्स को और थोड़ा बढ़ाया, फिर मैंने हफ्ते में 2 वीडियो डालना शुरू कर दिया दिसंबर से लेके,
हाँ दिसंबर से मैं हफ्ते में 2 ही वीडियो डाल रहा था, हर हफ्ते में मंडे या ट्यूसडे या 2-3 दिन के गैप में, अरे भी 3-4 दिन के गैप में हर वीडियो आ रही थी, मतलब वही हफ्ते की 2 वीडियो। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, फिर मैंने अपने मुंबई ब्लॉग्स, जब मैं मुंबई गया वहाँ पर मैंने ब्लॉग्स बनाए, सो आप सभी लोगों को वो ब्लॉग्स थोड़े बहुत पसंद भी आए। मुंबई में तो मैंने हर रोज़ डेली ब्लॉगिंग करी हुई थी, बट मैंने वहाँ से आने के बाद में वो सब ब्लॉग्स आप लोगों के लिए डाले थे, मैंने पहले ही बताया था अपने इंस्टाग्राम पर, ये सब बातें मैंने शेयर करी हुई थी, तो फिर वो मैंने हर एक एक दिन के गैप में डाले थे। तो और मैंने फिर उसके बाद में हफ्ते में मैंने 3 वीडियो डालना शुरू किया था, हर 2 दिन के गैप में 1 वीडियो आ रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, खुद को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, और ये मेरा एक टाइप से एडिक्शन भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा इस चीज़ को ब्रेक दिया जाए और थोड़ी और चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। तो उसके लिए मैंने 1 दिन वीडियो नहीं बनाई, 2 दिन नहीं बनाई, ऐसे वो खिंचते खिंचते 15 दिन तक के बाद पहुंच गई, 15-16 जितने भी दिन हुए उतने दिन तक। सो इस बीच में अब लोगों क्या लगा था, अब मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स थे उनके साथ में मैंने कोलैब किया हुआ था, रील्स वो लोग शूट करते हैं तो उनके लिए मैंने इंस्टाग्राम पर उनके साथ कोलैब किया हुआ था। उसी बीच में मैंने ब्लॉग से तो गैप ले लिया था, रेस्ट ले लिया था, बट मैं उनके साथ में, क्योंकि रील्स में कितना टाइम जाता है, 7 या 10 रील्स 1 घंटे में बन जाती है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होती, प्रेशर नहीं होता है, ब्लॉग के जैसा नहीं है कि पूरा एक दिन शूट में आएगा फिर 2 घंटे एडिटिंग में आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से साउंड सिलेक्ट किया, लिपसिंग करी और काम खत्म। तो ये रील्स का था। तो उस बीच में जब मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर रील्स डल रही थी, सो बहुत से लोगों को ये डाउट हुआ था कि मैंने अपना कंटेंट स्विच भी कर लिया, मुझे बहुत से लोगों को मैसेज भी आए थे कि भैया ब्लॉगिंग बंद कर दी क्या, क्या हो गया आप इस लाइन में कैसे आ गए, ये सब बातें बहुत से लोगों ने मुझसे करी हुई थी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ब्लॉगिंग मेरा प्यार कह लो, जुनून कह लो या कुछ भी, उन लोग वो है और वो रहेगा, और फिटनेस भी है। अभी एक डाउट अभी मैं बाद में क्लियर करूँगा कि मैंने क्या यूट्यूब छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है। तो बस यही सब चीज़ थी, 2 शूट हुए थे, अब 2 शूटों में कम से कम 10-15-20 वीडियोस बनी थी, हाँ 15-20 वीडियो बनी थी। तो उसके लिए अपना 15-20 वीडियो मैंने तो 2 दिन में बना ली थी, पर अब वो ऐसा तो नहीं है कि लगातार वो एक ही साल में डाल देंगे, तो उन्होंने भी 2-2 वीडियो 1 दिन में डाला, तो सबको यही लग रहा था कि मैं रोज़ उन्हीं के साथ में वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने अपना ये मैंने अपना यूट्यूब ब्लॉगिंग बंद कर दिया, और शायद वो बहुत से लोगों को ये भी लगा था कि मैंने वर्कआउट वगैरह बंद कर दिया है, तभी कहता हूँ मुझे चुपचाप से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो। अब जब मैंने वीडियो से रेस्ट लिया था तो आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या मैंने वर्कआउट से भी रेस्ट लिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्कआउट से तो रेस्ट शायद ही अब कभी मैं लाइफ में लूँगा, या कुछ ना कुछ मैं करता ही रहूँगा, जैसे लॉकडाउन लगेगा तो होम वर्कआउट, पर वर्कआउट से रेस्ट लेना तो इम्पॉसिबल सा है मेरे लिए, तो वो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था, बराबर अपना वर्कआउट चलाता जैसा चलता आ रहा है। बस बने रहिए, आपसे बस इतना अनुरोध है, और आपके जो भी अब जितने भी अब आपके मन में क्वेश्चंस हो, डाउट हो, या मुझसे कोई पॉइंट रह गया जो आपको और पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मत रख के पूछ सकते हो, उसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है, तो अब आप पूछिए। अब अपन चलते हैं फटाफट अपने पुल वर्कआउट के लिए, आज मेरा पुल वर्कआउट है बैक बाइसेप का, इसे करके आपको जिम में दिखाते हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ अब डेड लिफ्ट में अपना PR हिट कर दूँ 120 kg से, आज मैं ट्राई करूँगा, तो देखते हैं वो होगा या नहीं होगा, तो आप बने रहिए, अभी तो बहुत मजे आने वाले ब्लॉग में, तो चलिए चलते हैं। What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce,
a 6 or 7-star hotel, living my life to the fullest. Don't get jealous of me, because I work my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. सीधा वर्कआउट के बाद मैं सो गया था, क्योंकि मैं वर्कआउट कल शाम को करने गया था. शाम को वर्कआउट करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी स्लीप पर इफ़ेक्ट करता है. इसलिए मैं वर्कआउट करके 8:30-9 बजे के समथिंग में आया था और मैं सीधा सो गया था. ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा इंटेंस वर्कआउट किया था, इस वजह से मैं बहुत थक चुका था. तो मैंने सोचा ब्लॉग को अगले दिन पर डाल के कंटिन्यू करती है. कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे ब्लॉग को? करेंगे करेंगे. और आप इनसे अब बहुत दिनों बाद मिल रही होंगी मेरे साथ साथ. तो पूर्वा, आपको आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना के कैसा लग रहा है? बहुत गंदा और अच्छा लग रहा है. तूने हेलो गाइस तो बोला ही नहीं है इनसे. हाय गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल. तो वर्कआउट में मैंने आज अपना PR हिट किया था. PR मैंने अपना डेड लिफ्ट में हिट किया था. और आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो लोग भी मुझे देख के मेरे वर्कआउट को फॉलो करते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक बात है कि मैं हर हफ्ते अपना कोई भी एक एक्सरसाइज में PR हिट करता हूँ. मोस्टली वो डेड लिफ्ट होती है, बेंच प्रेस होती है या स्क्वाट होती है. इनमें से मैं अपना एक इनमें से तीनों में से मैं ज़रूर एक बार PR हिट करता हूँ, क्योंकि उससे अपनी स्ट्रेंथ का अपन को पता पड़ता है. और PR मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी करता हूँ. इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है. वो बनाने देगी कि नहीं बनाने देगी तुम्हें? बनाने मैं कह ही देता हूँ. मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है डेड लिफ्ट. मुझे बहुत अच्छी लगती है डेड लिफ्ट में. अपनी मसल्स काम करती है, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, ये तीन मसल्स होती हैं. और टाइम से जब से इस चैनल पर ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, तब से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बंद हो गई हैं. मैं उन वीडियोस को बनाना मिस भी कर रहा हूँ. और ब्लॉग्स में मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता पाता हूँ. अब जैसे मुझे कुछ अलग से एक टॉपिक पर डिस्कस करना है, तो मैं उस टॉपिक पर ज़्यादा देर तक मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं साथ ही साथ में. इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में 1-2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी इस चैनल पर आती रहे, जैसे पहले आती थी. ब्लॉग्स तो आएंगे ही, साथ में वो भी आती रहे, इससे बैलेंस भी बना रहेगा. तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना. और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब ऐसी नहीं आएंगी जो कॉमन ही हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं बनाऊंगा, जो आप लोगों की जो जिम करते हैं उनकी हेल्प तो करेंगे ही, साथ साथ में जो आम जनता है वो कैसे फिट रह सके, हेल्दी रह सके, उन सब की हेल्प करेगी. तो यस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर जल्दी आना स्टार्ट होने वाली है. सो मिलती है अब आपसे एक अगले वीडियो में. तब तक के लिए एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट. हाँ, कैसे? डू योर बेस्ट. पागल से.